हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त इब्रत खान और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड टैग फॉर यू। हाउ टू विन एवरी हैंड इन पोकर गेम, 100% विनिंग ट्रिक। पोकर में हर हैंड कैसे जीते हैं? दोस्तों, आजकल पोकर गेम खेलकर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। पोकर में रुपया कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कमाते हैं। इसमें लोग जीतते भी हैं और हारते भी हैं। पोकर गेम के अंदर एक मिनट में करोड़ों की हार जीत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि हम पोकर में हर हैंड जीतें। तो आज हम आपको इस वीडियो में इतना ही यही सब बताने वाले हैं कि पोकर में हर हैंड कैसे जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नीचे जो एरो का निशान आ रहा है, मैं आपको लाइव खेल के दिखा रहा हूँ। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है 786 इब्रत। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें संयम से काम लेना है। हमें जोश में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है, क्यों, ये खेल जोश और गुस्से का नहीं है। तो सबसे पहले हमें हैंड को फोल्ड करके रखना है। देखिए, मैंने फोल्ड कर दिया है क्योंकि हमें टेबल पे कौन से कार्ड गिर रहे हैं इनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टेबल पे कार्डों का पता लगा लेंगे कौन से गिर रहे हैं, तभी हम हर हैंड जीत सकते हैं। देखिए 2-7 आया है, मैं इसको भी फोल्ड करता हूँ। मैंने इसको फोल्ड कर दिया, देखिए उसने ऑल इन किया। अगर हम इसको फोल्ड नहीं करते तो जो भी हम बैट लगाते वो हमें बाद में हैंड छोड़ना पड़ता और हम उस गेम को हार जाते। ये देखिए सबने फोल्ड कर दिया, वो विन कर गया। अब ये देखिए K4 आया है। ये कार्ड ना तो ज़्यादा स्मॉल है ना ही ज़्यादा बिग, लेकिन ये कार्ड ऐसे हैं कि हम इनको खेल सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। ऑलरेडी मेरी बैट जा चुकी है 300 की। तो चलिए ये देखते हैं कि कोई अगर ऑल इन नहीं करता है, अगर कोई ऑल इन करेगा तो हम फोल्ड करेंगे। क्योंकि ज़बरदस्ती हमें ऑल इन का जवाब ऑल इन से नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करने से हम निश्चित ही हारेंगे। देखिए अभी जो बैट करने वाला है, बैट करेगा या क्या करेगा, फोल्ड कर दिया उसने। ये सेकंड पर्सन ने भी फोल्ड किया है। ये देखिए टेबल पे कार्ड ओपन हो चुके हैं, 2-5-6 आ चुका है और हमारे हैंड में है 5-4। अगर 3 आ जाता है तो ये हमारी स्ट्रेट बन जाएगी और हैंड हमारा होगा। वेट करते हैं, देखते हैं 3 ओपन होता है या नहीं होता। ये देखिए 3 ओपन हो गया, यानी कि ये हैंड हमारा है। अब हम यहाँ पर हल्की सी राइज करेंगे। ये देखिए हमने 300 की राइज करी, ये वो फोल्ड कर गया और ये हैंड हम विन कर गए। चलिए अब नेक्स्ट हैंड देखते हैं। ये 9 और 10 ओपन हुआ है। यहाँ पर हम बैट लगाते हैं हल्की सी। वेट करते हैं अदर प्लेयर के। देखिए इस गेम में दोस्तों होता क्या है कि टेबल पर कौन से कार्ड गिर रहे हैं उन पर ध्यान रखना होता है, और उससे ज़्यादा ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना होता है कि सामने वाले बंदे जो हैं, जो हमारे साथी प्लेयर हैं, वो कैसे खेल रहे हैं। कोई ब्लफ मार रहा है या फिर नॉर्मल खेल रहा है, उनके दिमाग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए स्प्लिट हो गया, ना वो जीता ना मैं, हम दोनों में बट गया जो भी था। अभी देखिए फ्लश के पत्ते खुले हैं और ये डेफिनेटली फ्लश बनेगी, 100% फ्लश बनेगी। यहाँ पर हम दिल खोल के खेल सकते हैं, लेकिन फिर में स्टार्टिंग हमें स्मॉल ब्लाइंड से ही करनी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी रेस स्टार्टिंग में नहीं लगानी है जब तक कार्ड ओपन नहीं हो जाते टेबल पर। वेट करते हैं टेबल पर कार्ड ओपन होने का। देखिए ये फोल्ड कर गया, कार्ड ओपन हो चुके हैं। ये देखिए जे ए और 5 आया हुआ है, इसने राइज किए। हमारे पास 2 कार्ड हैं प्लस के और 2 ऊपर पड़े हुए हैं। अगर एक कार्ड और आ गया तो हमारी फ्लश बनेगी, इसलिए हम इसकी राइज का जवाब देंगे। ये देखिए हमारी फ्लश बन चुकी है। अब यहाँ से हमें नॉर्मल करना है, चेक करना है, हमें राइज नहीं देनी है, वरना वो समझ जाएगा कि हमारे पास फ्लश है। ये देखिए ये वो भी चेक कर। अब यहाँ से हमें राइज लगानी है,
क्योंकि वो समझेगा कि हम ब्लफ मार रहे हैं, वो पकड़ेगा। देखिए मैंने राइज लगाई 17,000 की, और ये देखिए इसका ए आया होगा, ये इसने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, ये गया। ये देखिए ये हैंड हम विन कर देंगे। तो इस तरह से हमें दिमाग से खेलना है। ये हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने फोल्ड कर दिया। हमें हर हैंड नहीं खेलना, तो हर हैंड पे अगर हम बैट करेंगे तो हम हारेंगे। हमें देखना है कौन सा कार्ड हमारा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। अगर टेबल पे जो कार्ड हमारे हाथ में वो इससे पहले ओपन हो चुके हैं तो अदर में वो हैंड कभी भी नहीं बनेगा, इसलिए उसको फोल्ड करना ही बेहतर है। अभी देखिए 9-3 जो है हमने फोल्ड किया है, और वहाँ पर 4-2 आया हुआ है, प्लस के 2 कार्ड भी आए हुए हैं, यानी कि हमारा हैंड अभी तक ये नहीं है। देखिए अब के आ गया, लेकिन अब भी हमारा 9-3 नहीं है टेबल पर। वन कार्ड ओपन और होना है, देखते हैं क्या ओपन होता है। बहरहाल हम तो फोल्ड कर चुके हैं, तो हमारा तो कोई चांस नहीं है। देखिए हमारा हैंड कहीं से कहीं तक नहीं बना। अगर हम यहाँ पर बैट कर जाते हैं तो हम निश्चित ही इस हैंड को हारते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिए उसका ये बना हुआ था और वो विन कर गया। अभी देखिए 2-7 है, यहाँ फ्लश भी बन सकती है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि फ्लश के पत्ते उनके पास आ गया, फिर एक आ गया तो ऑल इन कर देते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी, क्योंकि मतलब ये नहीं है हमारे हाथ में फ्लैश है तो हमारी बनी जाएगी, या फिर एक है तो हमारा बन ही जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कोई कार्ड हमारे पास आया तो हम नॉर्मल ही राज लेके चलते हैं। देखिए है इसने बैट किए तो हम भी यहाँ पर बैट ही करेंगे। अगर हमारे कार्ड ओपन होते हैं तब हम देखते हैं, ठीक है। ये 9-8-10 ओपन हो चुका है और हमारे हैंड में है 7 और 2। देखिए 6 आ गया, यानी कि हमारी स्ट्रेट बन गई है, हमारी स्ट्रेट बन गई है, इसलिए हम यहाँ पर राइज करेंगे हल्की सी। ये देखिए मैंने यहाँ पर राइज ऑल इन कर दिया मैंने, और वो यहाँ से देखो फोल्ड करेगा, फोल्ड कर गया वो, नहीं उसने पकड़ा उसने, और देखिए वो हार गया। अब ये हमारा देखिए फ्लश का चिड़ी का जो है इक्का दुग्गी आया है, फ्लश बनती नहीं बनती है इसको देखेंगे हम, लेकिन चाल नॉर्मल ही रखनी है। अच्छे पत्ते देख के कभी भी ऑल इन या तगड़ी बैट नहीं लगानी। ये देखिए 5 आ गया है और ए और 2 हमारे पास है, 3-4 आ जाता है तो हमारी स्ट्रेट बैट, 3 भी आ गया। अब अगर 4 आता है तो हमारी स्ट्रेट बन जाएगी। देखिए उसने राइज किया, हमें लेंगे रिस्क, हमें लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ले लिया है, देखिए 4 आ गया, स्ट्रेट बन गई हमारी। अब वो कुछ भी करेगा उसको हारना ही है, उसको हारना है। देखिए यहाँ से हम ये राइज करेंगे, हमने राइज करी और ये देखिए होल्ड कर दिया, ये हैंड भी हम विन कर गए। आप देख सकते हैं कि मेरी चिप्स बढ़ती चली जा रही है। देखिए ये अब काइंड हमारा आ चुका है, बट अगर किसी की फ्लश आ गई तो वो जीत जाएगा, इसे हमें नॉर्मल ही लेना है। ये देखिए अब यहाँ से हमें जो है राइज करनी है, देखिए हाफ राइज कर दी हमने। अगर किसी का होगा तो वो पकड़ेगा, नहीं होगा तो फोल्ड कर लेगा। देखते हैं क्या करते हैं। देखिए ये सारे के सारे फोल्ड करेंगे, ये हैंड भी हम विन कर रहे हैं। अब 2 और 9 ओपन हुआ है हमारा, कार्ड अच्छे हैं इसलिए हम बैट लगा के ही खेलेंगे, ऑल इन वगैरह नहीं करना है। ये कार्ड ओपन हुए, देखिए क्यू हमारा आ चुका है, लेकिन ए और क्यू जो है वो चिड़ी का है, यानी कि फ्लश। अगर किसी की फ्लश आ गई तो हम हार सकते हैं, इसलिए हमें नॉर्मल चेक करना है। ये देखिए फ्लश खुल चुकी है, अब किसी की फ्लश हुई इसकी, इसने राइज की है, यानी कि ये अगर इसकी फ्लश होती थी ऑल इन करता, इसकी फ्लश नहीं है, इसको हमें पकड़ना है। ये देखिए हमने पकड़ लिया, अगर इसकी फ्लश होगी दोबारा राइज करें, नहीं इसने चेक किया है, यानी कि इसके पास कुछ नहीं है, ये ब्लफ मार रहा था। अब देखिए हम इसको राइज करेंगे और ये देखिए फोल्ड कर गया और हमारी ये थ्री ऑफ कार्ड्स
बन चुकी और हम विन कर गए। तो इस तरह गेम को खेलकर आप भी हर हैंड जीतिए, इस तरह गेम खेलिए और आप भी हर हैंड जीतिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।